लेबनान की राजधानी बेरूत उस वक्त धमाके से थर्रा उठी जब 2,750 टन अमोनियम नाइट्रेट में भीषण विस्फोट हो गया। इस धमाके के बाद बेरूत बंदरगाह पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया। बंदरगाह पर हर तरफ लाशें और तबाही का खौफनाक मंजर नजर आया। पूरे बेरूत शहर की गलियां धुएं से भर गई और गाड़ियों के शीशे और इमारतों की खिड़कियां चकनाचूर हो गई। खबरों की माने तो इस धमाके की वजह से अब तक कम से कम 73 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 4,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। बेरूत विस्फोट की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लोगों को हिरोशिमा में हुए परमाणु बम हमले की याद आ गई। ये विस्फोट कितना भयानक था ये आप खुद देख लीजिए इस वीडियो में। इस विस्फोट के चलते जमीन भी कपकपा गई, ऐसा लगा मानो भीषण भूकंप आया हो। इस भीषण हादसे के जो वीडियो सामने आए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। पहले गुलाबी धुएं का ऊंचा सा गुबार पूरे आसमान में फैल गया और फिर जोरदार धमाके के साथ तबाही मच गई। विस्फोट के रास्ते में जो भी आया उसे अपनी जद में ले लिया। रिपोर्ट्स की माने तो कम से कम 10 किलोमीटर दूर तक के घरों को भी भारी नुकसान हुआ है। बंदरगाह पर विस्फोट के बाद हर तरफ जमीन पर लाशें ही लाशें नजर आईं। घटना के बाद बदहवास लोग चीखते चिल्लाते सड़कों पर दौड़ रहे थे। कोई वहां घायल होकर खून से लथपथ गिर गया तो कोई दूसरों को संभालने में जुटा था। आसपास की इमारतों से पूरी की पूरी बालकनी उखड़ गई, गगनचुंबी इमारतें जमींदोज हो गईं। ब्यूरो रिपोर्ट।